News 18, India. अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने उन्हें मनाने की खूब कोशिश की है, लेकिन चंडीगढ़ में हुई 5 घंटे की मैराथन बैठक के बाद भी कई मुद्दों पर बात नहीं बन पाई है और इसके बाद किसानों ने अपना प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं दिल्ली कूच करने को देखते हुए दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था अब और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि जबरदस्ती कोई दाखिल होने की कोशिश करे तो उन्हें रोका जा सके। किसान सरकार पर मांगे नहीं मानने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का ये कहना है कि किसानों के साथ कई मुद्दों पर गंभीरता से बात हुई। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों पर बात नहीं बन पाई है उन पर बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाएगा। तो अर्जुन मुंडा ने कहा कि कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, सहमति बनी है, लेकिन जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है ऐसे में उनका समाधान निकाला जाएगा। गंभीरता से बातचीत हुई है और बातचीत के जरिए ही समाधान निकालेंगे। लेकिन इससे पहले किसान नेता को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम तो दिल्ली कूच करने वाले हैं, बातें नहीं मानी गई। किसान संगठनों के साथ बातचीत बहुत गंभीरता पूर्वक हुई और सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। अस्थाई समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थाई समाधान ढूंढें। अब आपको बताते हैं कि आखिर किसानों और केंद्र सरकार के बीच हुई बैठक में आखिर क्या क्या हुआ। चंडीगढ़ में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 5 घंटे तक ये बैठक हुई है। बैठक में बिजली अधिनियम 2020 को रद्द करने पर चर्चा हुई। यूपी के लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देने पर भी बातचीत हुई। अब आपको बताते हैं कि किसान आंदोलन के समय किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने पर चर्चा की गई। तो ये अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हुई है। बैठक में सरकार और किसान संगठनों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन सबसे अहम बात MSP गारंटी, किसान कर्ज माफी पर अभी भी मामला फंसा हुआ है। वहीं स्वामीनाथन आयोग को लेकर भी सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत नहीं बन पाई है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर केंद्र सरकार के साथ 5 घंटे तक चली बैठक के बाद किसानों के केंद्र सरकार पर क्या क्या आरोप किसानों ने लगाए हैं। किसान नेताओं का आरोप यह है कि केंद्र सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। किसानों ने केंद्र सरकार पर टाइम पास करने का आरोप लगाया। किसान नेताओं का ये कहना है कि हम MSP के मुद्दे पर बात करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं किया। किसान नेताओं ने कहा कि हमें नहीं लगता कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करना चाहती है। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कई मुद्दों पर सहमति नहीं बनने का आरोप भी लगाया। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा चाक चौबंद कर दी है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहां मॉक ड्रिल भी की है। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है और फिर आंसू गैस भी छोड़ रहे हैं, यानी कि साफ है कि पुलिस की तरफ से किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और ये ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी इसीलिए की जा रही है। और ये तस्वीरें हैं मॉक ड्रिल की, जब किसी भी तरह की विषम परिस्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए इसके लिए बकायदा मॉक ड्रिल की गई है, क्योंकि जो खुफिया रिपोर्ट आई उसके मुताबिक किसान आंदोलन की आड़ में कुछ उपद्रवी हिंसक वारदात को भी अंजाम देते हैं और इसीलिए इसकी पुख्ता तैयारी की गई। अब आपको बताते हैं कि आखिर किसानों के दिल्ली कूच का मकसद क्या है। केंद्र सरकार से उनकी क्या क्या मांगे हैं ये आपको बताते हैं। किसान सभी फसलों की खरीद के लिए MSP गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं। किसानों और मजदूरों के लिए कर्ज माफ करने की मांग हो रही है। आंदोलन के समय किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को पूरे देश में फिर से लागू किया जाए। भूमि अधिग्रहण से पहले किसानों की लिखित सहमति और कलेक्टरेट से 4 गुना मुआवजा देने की व्यवस्था हो। मनरेगा के तहत हर साल 200 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। मनरेगा में मजदूरी बढ़ाकर 700 प्रतिदिन की जाए। मनरेगा में कृषि को शामिल किया जाए। मिर्च, हल्दी और दूसरे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। लिस्ट लंबी है।
संविधान की 5वीं सूची को लागू किया जाए और आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए, ये तमाम मांगे किसानों की हैं। दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन के मद्देनजर एक बड़ी तैयारी की है। पूरी दिल्ली में अब धारा 144 जारी करने का नोटिस जारी कर दिया गया है और एक साथ यहां लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही है। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की तैनाती बॉर्डर पर और ज्यादा बढ़ा दी गई है। दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं पर सबसे ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। बॉर्डर पर मल्टी लेयर चेकिंग भी की जा रही है, लोहे की बैरिकेड्स लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी तैयारी सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर देखी गई है। देखिए, हम लोग हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया और जो भी इनपुट्स आ रहे हैं, और हमारे एडवांस स्पॉटर्स भी हम लोगों ने डिप्लॉय किए हुए हैं, यू नो, डीप इनसाइड यूपी एंड इनसाइड हरियाणा, इवन एज फार एज पंजाब। तो वी आर गेटिंग लाइव इन्फॉर्मेशन व्हाट इज हैपनिंग। और हम लोगों ने अपना जो एक अरेंजमेंट है 11 तारीख से ही नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 11 तारीख से ही शुरू कर दिया था, और इसी इंतज़ाम के लिए कल एक 144 का एक मैंने प्रोहिबिटरी ऑर्डर भी अपने जिले के लिए मैंने एक इशू किया था। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली को चारों तरफ से सील किया गया है। किसानों ने दिल्ली पहुंचने का ऐलान किया है और उसी के मद्देनजर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में तैयारियां की जा रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग है, सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया गया है। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं, 8 तस्वीरें हैं। अब आप ये देखिए कि करनाल की तस्वीरें देखिए, टुहाना की देखिए, शंभू बॉर्डर, इसके अलावा टिकरी बॉर्डर, अब जितने भी बॉर्डर हैं इनको सील किया गया है ताकि जो किसानों ने ऐलान किया है कि 10 बजे दिल्ली कूच करेंगे, उनको वहीं पर रोका जाए जहां से वो आ रहे हैं। ऐसे में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है ताकि माहौल ना बिगड़े और किसी भी तरह की परेशानी लोगों को ना हो। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए दिल्ली की सीमा पर सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है और पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरी दिल्ली पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना ना हो सके। किसानों को रोकने के लिए 3 राज्यों में तैयारियां की गई हैं। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में जबरदस्त तैयारी है। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हरियाणा के अंबाला में पंजाब की ओर से आने वाले किसानों को रोकने के लिए मॉक ड्रिल की गई। हरियाणा पुलिस ने पंजाब की ओर से आंसू गैस के गोले फेंककर मॉक ड्रिल की, तो वहीं दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर आरएएफ की तैनाती कर दी गई। सीमा को सील किया गया है। अमृतसर में किसानों का एक जत्था पहुंचा है। दावा किया जा रहा है कि किसान दिल्ली की ओर कूच करने लगे हैं, तो अंबाला में मॉक ड्रिल हुई है, तैयारियां परखने की कोशिश। मॉक ड्रिल के जरिए दिल्ली यूपी सीमा पर आरएएफ की तैनाती, रैपिड एक्शन फोर्स और अमृतसर से किसान कूच कर रहे हैं। ये जत्था निकला है लेकिन जत्थे को बॉर्डर पर ही रोक दिया जाए, ये तैयारी पुलिस की है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। कल 5 घंटे तक बैठक होती है चंडीगढ़ में किसान और केंद्र सरकार के बीच, किसान नेता उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हैं, कहते हैं सरकार गंभीर नहीं है। सरकार कह रही है कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन कुछ मुद्दों पर जो सहमति नहीं बनी है बातचीत के जरिए ही मामले को सुलझाया जाएगा। लेकिन अब ये 3 तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि किसान तो ऐलान कर चुके हैं कि वो दिल्ली कूच करने वाले हैं। ऐसे में अंबाला में मॉक ड्रिल की गई, दिल्ली यूपी सीमा पर आरएएफ की तैनाती है, अमृतसर से किसानों का जत्था निकला है लेकिन बॉर्डर पर रोकने की पूरी तैयारी है। उधर हरियाणा पुलिस ने किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है और दिल्ली से आने जाने वाले लोगों से एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है, क्योंकि आम लोगों को फर्क पड़ता है, आम लोग जैम से 2-4 होते हैं। हरियाणा पुलिस ने किसानों के दिल्ली मार्च के मद्देनजर लोगों से आवाजाही के लिए रेल का उपयोग करने की अपील की है कि सड़क मार्ग से मत जाइए, रेल सेवा का आनंद लीजिए। इसके अलावा चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के लिए पंचकुला, बरवाला, साहा, शाहबाद, कुरुक्षेत्र के रास्ते जाए। इसके अलावा पंचकुला, बरवाला, यमुनानगर, लाडवा, इंद्री, करनाल के रास्ते जाए। ये एडवाइजरी हरियाणा पुलिस की तरफ से जारी की गई है।